आर्कमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पहली डेफिनेशन ये कहती है, या कोई भी डेफिनेशन आर्कमिडीज की ये कहती है कि कोई भी बॉडी चाहे वो डूबे चाहे तैरे, क्योंकि जहां आर्कमिडीज आता है बंदा ये सोचता है कि शायद बॉडी तैरेगी या डूबेगी, फ्लोटेशन प्रिंसिपल्स बताए थे उसने। आर्कमिडीज जरूरी नहीं कि तैरने पे लगेगा, डूबने पे भी लगता है कि बॉडी पूरी तरह आपने इमर्स कर दी पूरी वाटर में। तो अकॉर्डिंग टू आर्कमिडीज प्रिंसिपल कि अगर आपकी बॉडी का वेट हवा में 10 न्यूटन है, लोहे की बॉल है, तैरनी नहीं है, तैरेगी नहीं, आपने पूरी तरह इसे पानी में डुबो दिया तो गई पानी में, तो वाटर या लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाता है, अपथ्रस्ट, इसको फोर्स ऑफ बॉयंसी भी बोलते हैं। आप भी अगर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप फील करते हैं कि पानी आपको फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको भी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, उस फोर्स का नाम है ऊपर की फोर्स। ऊपर को क्या बोलते हैं, अप, फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। ये फोर्स कौन लगाता है, लिक्विड लगाता है। मान लो लिक्विड ने फोर्स लगाई कितनी, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो बॉडी का नेट वेट पानी में कितना हो गया, 10 में से 2 गया, कितना आया, 8 न्यूटन। ठीक है यहां तक, तो वेट लिक्विड के अंदर जाके क्या हो गया, कम हो गया, 10 की जगह क्या रह गया, 8 न्यूटन। क्यों, क्योंकि लिक्विड ने क्या लगाया, अप थ्रस्ट। तो आर्कमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि जब आप बॉडी को पूरी तरह इमर्स करते हो लिक्विड में तो देयर इज लॉस इन वेट, कितना, 10 में से 8 गया, लॉस इन वेट कितना है, 2 न्यूटन। और वो इसलिए हुआ क्योंकि लिक्विड ने क्या लगाया बॉडी पे, अप थ्रस्ट, तो अप थ्रस्ट की वैल्यू भी कितनी है, 2 न्यूटन। आपके सामने ही है, 2 लगाया तभी तो वेट 2 से कम हुआ। तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये बताया जाता है कि यहां पे लॉस इन वेट की वैल्यू क्या रहेगी, अप थ्रस्ट। तो जितना लॉस इन वेट है उतना अप थ्रस्ट है। और एक कमाल की चीज बता देता हूं, अप थ्रस्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब होगा क्या, जब ये बॉल पानी में जाएगी तो ये पानी को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, पानी की जगह ले लेगी, तो पानी को डिस्प्लेस करेगी। पानी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पानी जो डिस्प्लेस हुआ उसको अगर वेट करें, तोल लें, उसका वेट ढूंढें, वो एग्जैक्टली अप थ्रस्ट के इक्वल ही आता है, 2 न्यूटन ही आएगा। तो यानी कि लॉस ऑफ वेट कितना है, 2 न्यूटन, अप थ्रस्ट भी कितना है, 2 न्यूटन, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी कितना है, 2 ही न्यूटन होगा। ये तीनों चीजें एग्जैक्टली सेम है। तो डेफिनेशन मैंने यहां लिखी हुई है कि बॉडी का वेट W1 से W2 हो गया तो क्या हो गया, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट क्या होगा, अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या ये पहली डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है यहां तक, अप थ्रस्ट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है, ठीक है यहां तक। तो जब कोई बॉडी तैरती है उसको तैरने के प्रिंसिपल बोलते हैं, फ्लोटेशन प्रिंसिपल। ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल नहीं है, ये तो इमर्स कर दी और क्या हुआ, ये वो रिजल्ट है, बट डुबो दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब अगर कोई बॉडी फ्लोट करती है, तैरती है, तो क्या हुआ, जब कोई बॉडी तैरेगी जिसका कुछ पोर्शन पानी के बाहर होगा और कुछ पानी के अंदर भी होगा, तो कैसे लगेगा, ये प्रिंसिपल आर्कमिडीज इसको देखते हैं। तो लेट अस सपोज ये आपके पास एक बॉडी है सच दैट इसका कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर है और कुछ बाहर है, ठीक। तो इसके अंदर टोटल वॉल्यूम बॉडी का कितना है, V है, ठीक। मान लो वी डैश पोर्शन हवा में और वी माइनस वी डैश वॉल्यूम लिक्विड में समर्ज्ड है, ठीक है यहां तक। तो इतना पोर्शन पानी के अंदर है, तो ये जो समर्ज पोर्शन है ये लिक्विड को क्या करेगी, डिस्प्लेस्ड। तो अगर आप वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालें, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालें, जो कि जिसका दूसरा नाम क्या है, अप थ्रस्ट। मैंने क्या बताया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अप थ्रस्ट वन एंड दी सेम थिंग, एक ही होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालें या अप थ्रस्ट निकालें, दिस मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी, ये पूरी बॉडी के वेट के इक्वल होगा। कैसे, सोचें ये बॉडी तैर रही है तो पानी ऊपर फोर्स लगाएगा, पानी मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ऊपर, और
और अगर इसने तैरना है तो बॉडी का वेट भी 10 न्यूटन है, जिसको कौन बैलेंस करेगा? अप थ्रस्ट। तो 10 और 10 बैलेंस करेगा तभी वो बॉडी वहीं टिकी रहेगी। ठीक है यहाँ तक? तो इसलिए ने क्या बोला कि अप थ्रस्ट ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। नीचे की फोर्स क्या है? होल वेट ऑफ दी बॉडी। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अप थ्रस्ट एक ही बात है, मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। तो इसमें होल वेट निकलेगा कैसे? मान लो बॉडी की डेंसिटी रो बी है और लिक्विड की रो एल है। होल वेट ऑफ द बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास इनटू जी। तो ये क्या आ गया? होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट आ गया। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अब ये बताओ कि लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ? लिक्विड में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ बताओ? कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? V के V, V डैश की V माइनस V डैश। कितने लोग बोलते हैं V माइनस V डैश? अच्छा ये बताओ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब क्या है, कि कितनी जगह कितनी वॉल्यूम लिक्विड की इस बॉडी ने ले ली। जितना समर्ज हो गया उतनी ले ली ना। अगर मान लो सपोज किसी बॉडी का वॉल्यूम V है, वो पूरा का पूरा पानी में चला गया तो V वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस कर गया। पर अगर उसने सिर्फ अपना हाथ डाला पानी में तो अपने हाथ इतना वॉल्यूम में डिस्प्लेस करेगा ना पानी का, अपनी बॉडी जितना वॉल्यूम कैसे करेगा? उसका अगर हाथ का वॉल्यूम 10 है तो 10 डिस्प्लेस हो गया वॉल्यूम। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कितनी डूबी पानी में बॉडी V माइनस V डैश, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी कितना डिस्प्लेस हुआ? V माइनस V डैश। तो अगर मैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस पूछूं तो वेट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, क्योंकि वेट किसका निकल रहा है? लिक्विड का। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जब भी बॉडी का वेट निकलेगा, बॉडी का वेट निकलेगा तो डेंसिटी बॉडी की, जब लिक्विड का वेट निकलेगा तो डेंसिटी लिक्विड की। और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये दोनों वैल्यूज बराबर है, यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to whole weight of the body. Weight of liquid displaced मैंने क्या बताया? V minus V dash into density of liquid into G. और whole weight में क्या बताया? Total volume into body का volume density into G. ठीक है यहाँ तक? एक काम करते हैं, इसको ना धीरे धीरे formula booklet में लिखते हैं। जब आप लिखेंगे धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आएगा। तो आप प्लीज़ लिखें जो मैं लिखवा रहा हूँ, इससे अपने आप याद हो जाएगी स्टेटमेंट। तो लिखें वेट ऑफ द बॉडी में क्या होना चाहिए? होल वेट ऑफ बॉडी में आप टोटल वॉल्यूम ले रहे हो ना, तो उसमें वहां पे सिर्फ जो बॉडी अंदर है पानी के v - v - उतना वॉल्यूम ही रहना चाहिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। ये देखो यहां पे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ये रहा, यस सर, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, और होल वेट ऑफ द बॉडी में टोटल बॉडी का वॉल्यूम v इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू g। आपको ऐसा लगता है कि ये पोर्शन का कोई काम नहीं है तो हवा में है। आपको लगेगा कि इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया इसी के वेट के इक्वल होगा ना, होल वेट के इक्वल होगा, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपथ्रस्ट होता है। अपथ्रस्ट यानी कि ऊपर की फोर्स पूरी बॉडी के वेट को बैलेंस करेगी तभी वो तैरेगी। मान लो एक शिप है, शिप तो 80% हवा में चल रहा है, 20% पानी में है, पर वेट ऑफ द शिप को पूरे को तैरना है तो होल वेट ऑफ द शिप मस्ट बी बैलेंस बाय अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड। ठीक, तो होल वेट आएगा उसमें। ओके सर, चलो फिर से एक बार इसको लिखो प्लीज एक बार, ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाती है कभी कभी। तो लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहले लिखो कि इसका वेट W1 है, पहली डेफिनेशन, और लिक्विड के अंदर वेट क्या हो गया? W2, U फॉर अपथ्रस्ट। तो लिखो कि पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लॉस इन वेट, लिखो लॉस इन वेट इज W1 माइनस W2, लॉस इन वेट W1 माइनस W2 इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। लॉस इन वेट क्या है? W1 माइनस W2 इक्वल टू क्या? अप थ्रस्ट। ये बताया, और अप थ्रस्ट का मतलब क्या है? वेट ऑफ लिक्विड
डिसप्लेस्ड, एक ही बात है। देखो इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं, और लिखने और लिख लो ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, और लिख लो, और अप थ्रस्ट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है। ये पहली डेफिनेशन है, ठीक है यहां तक? पहली डेफिनेशन ज्यादा इजी है, एक बार में काम खत्म हो, पता ही है लॉस इन वेट भी वही है, अप थ्रस्ट भी वही है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी वही है, गलती होने का चांस नहीं, सारी तो एक ही चीज बोली जा रहे हैं, ठीक है? तो ये रूल क्लियर है, ठीक है? स्वागत। नेक्स्ट रूल लिखें, नेक्स्ट फ्लोटेशन प्रिंसिपल में एक डायग्राम ड्रॉ करें, ये लो, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V लिखें, V डैश ऊपर है, V माइनस V डैश नीचे, ठीक? तो इसमें डेफिनेशन लिखें कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और अप थ्रस्ट एक ही बात है, मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ बॉडी। ये स्टेटमेंट लिखें और ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस या अप थ्रस्ट एक ही बात है, मस्ट बी इक्वल टू क्या, होल वेट ऑफ द बॉडी। कब? जब ये बॉडी क्या कर रही होगी, फ्लोट, ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल है, ये तैर रही होगी। ठीक है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज में होल वेट ऑफ द बॉडी में इमेजिन करें, डेंसिटी बॉडी की अलग है और लिक्विड की अलग है, होल वेट किसका निकालना है बताओ, बॉडी का। तो होल वेट में होल वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी है, किसका वेट निकल रहा है, बॉडी का, तो डेंसिटी भी किसकी, बॉडी की, इनटू जी। राइट हैंड साइड क्लियर है, होल वेट की वैल्यू कैसे आएगी ये लिख लें, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। रट्टा मारने की बिल्कुल कोशिश ना करें, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस देख लें, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बोलो कितना है, वी माइनस वी डैश, किसका वेट है, लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, इनटू जी। ये नोट कर लें,